फिर से न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम वाले हैं बहुत ही शानदार ब्लॉग होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहें आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए, तो फाइनली गाइस हम लोग सूरत से डाल्टन के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत ही गजब का ब्लॉग ये होगा, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। बाहर का पूरा दृश्य ट्रेन के बाहर का दिखाते हुए आप लोगों को लेकर के चलते हैं। बहुत ही शानदार बारिश का मौसम है, देखिए कितना हरा भरा दिख रहा है। गजब का शानदार नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत ही शानदार वीडियो बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए कितना लंबा ट्रेन है। हम लोग जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं, टिकट नहीं मिलने के कारण हम लोग जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं। अब बहुत ही कड़वा शासन लगा दिया गया है। अब आपके पास वेटिंग टिकट भी है तो आप स्लीपर में सफ़र नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा वेटिंग टिकट के बाद भी। नहीं तो दो तीन महीना पहले आपको टिकट करवाना होगा स्लीपर का, एसी का। देखिए दौड़ते भर में ये चलती हुई ट्रेन में दौड़ कर चढ़ गया। तरह तरह का नज़ारा आपको ट्रेवल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे और कुछ दिखाते हैं। बहुत लंबी ट्रेन है, गरीब रथ लगी हुई है, अजमेर जा रही है ये गरीब रथ। सो गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग अपना गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। 6-7 महीना करीब हम लोग सूरत में रहे हैं, इसके बाद अब अपना गांव जा रहे हैं हम। सफर में बहुत परेशानी होती है, जनरल डब्बा में तो भूल कर भी सफर ना करें। देखे जनरल का क्या हाल है, मजबूरी में हम लोग को जनरल डब्बा में ट्रेवल करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हम लोग का वेटिंग टिकट था फिर भी टीटी हम लोग को जनरल डब्बा में भेज दिया। बहुत ही कड़वा शासन लगा दिया गया है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है फिर भी आप स्लीपर में नहीं घुस सकते, आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा। ये देखे जमील भाई, गफार अंकल, हम लोग सब साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। ये जाँच पटरी का जाँच करने वाला छोटा सा मिनी ट्रेन है, पटरी को जांच करते हुए निकलती है, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग जनरल में पहली बार सफ़र कर रहे हैं, मजबूरी हो गया, वेटिंग टिकट रहते भर में हम लोग स्लीपर में नहीं घुस पाए। स्लीपर से सबको वेटिंग वाले को निकाल दे रहा है। ये जमील भाई हैं, हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए एक सीट पर 8-10 जन बैठे हुए हैं, बहुत ही परेशानी हो रही है इस ट्रेन में। बहुत जल्द हम लोग डाल्टन में पहुँचेंगे, अभी जबलपुर पहुँचने वाले हैं। जबलपुर देखाओ, खेल देखाओ, 10 रुपया दूंगा, दिखाओ खेल। नहीं देखा ये खेल। बहुत लंबी ट्रेन है, देखे अंकल अपना कुछ कला दिखा रहे हैं। ट्रेन चलती ट्रेन में, चलती ट्रेन में आप लोग भूल कर दिए ऐसा गलती ना करें, दुर्घटना हो सकता है। ये देखे मालगाड़ी जा रही है, अभी हम लोग जबलपुर पहुंचने वाले हैं। जबलपुर भी पहुंच के आपको जबलपुर का पूरा व्यू दिखाएंगे, बाहर का भी अंदर का भी। तो ये जबलपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। जबलपुर में वंदे भारत भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, उसका भी व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही शानदार ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी चल रहा है। अगर आपके पास
कंफर्म टिकट है नहीं है तो आप सफर करना बेकार है, आप जनरल में या वेटिंग करा कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वेटिंग रहेगा तो आपको स्लीपर में घुसने ही नहीं देगा। देखिए अभी हम लोग जबलपुर पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे बाहर में जाके हम लोग लंच उंच करेंगे, इसके बाद शाम के शक्तिपुंज एक्सप्रेस यहाँ से पकड़ के रवाना होंगे। देखिए जबलपुर स्टेशन का बाहर का सीन बहुत ही शानदार स्टेशन है जंक्शन जबलपुर, ये देखिए बहुत खूबसूरत स्टेशन है, बाहर में पार्किंग एरिया भी है। देखे चारों तरफ आपको घूम घूम कर दिखा रहे हैं, बहुत ही गजब का शानदार हिरन का सीन बनाया गया है। सामने में देखिए टिकट काउंटर है ये बाहर में, यहाँ पे लोग टिकट लेकर के सफर करते हैं, बाहर में मशीन से भी टिकट होता है। अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, खाना खा कर लौट चुके हैं, अब हम लोग स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम लोग का टिकट, ये देखे वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है, बहुत ही शानदार फ्रेश ट्रेन है, गजब का दिखता है, साफ सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखा गया, बहुत गजब ट्रेन है, शानदार खूबसूरत दिखने भी है, मेट्रो की तरह सेम दिखता है। जबलपुर स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, ज़्यादा 2-3 मिनट रुकती है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से निकलेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बस 2-3 मिनट रुकेगी जबलपुर स्टेशन के पास और यहाँ से फिर रवाना होगी बहुत जल्द। अगर आपको आराम से सफ़र करना है तो वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई तांडव नहीं कर सकता है, ना इसमें जनरल है ना स्लीपर, आप सिर्फ ओनली एसी है और ट्रेन की तरह नहीं है, बहुत लोग और ट्रेन में धांधली करता है तांडव बोले तो। अब यहाँ से निकल चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस, बस 1 मिनट के अंदर फुल स्पीड पकड़ लेती है, बहुत तेज रफ्तार में चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ से निकल चुकी है, देखते हैं बस स्टेशन के बाहर निकलेगी, अपना रंग दिखाना चालू करके फुल स्पीड में चलती है ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। अब यहाँ से हम लोग भी रवाना होने वाले हैं, शक्तिपुंज एक्सप्रेस आके लग चुकी है यहाँ पे स्टेशन पे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर अपना गांव के लिए रवाना होंगे। सूरत से हम लोग निकलते हैं तो फिर जबलपुर में स्टॉपेज करना पड़ता है, यहाँ के बाद फिर डायरेक्ट डाल्टनगंज, डाल्टनगंज से ऑटो पकड़ के हम लोग अपना गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ से निकल चुकी है हम लोग का शक्तिपुंज हावड़ा एक्सप्रेस, बहुत जल्द हम लोग अपना गाँव पहुँचने वाले हैं। देखे बाहर का कितना शानदार दृश्य, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है, जनरल डब्बा में सफर ना करें भूल से भी, बहुत कष्ट से हम लोग सफर कर रहे हैं। ये देखे झुग्गी झोपड़ी कितना प्यारा लग रहा है आप लोग, चला इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो बहुत जल्द हम लोग डाल्टनगंज स्टेशन पहुंचने वाले हैं, वहां का भी आप लोगों को डाल्टनगंज का भी सीन दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के अपने गाँव अपना गांव देखे कितना हरा भरा है।